क्या आप जानते हैं कि आप अगर अकेले हैं या लोनली फील कर रहे हैं तो आप गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकते हैं। और क्या आप ये जानते हैं, ये जो छोटा सा पिस्सू होता है इसकी जगह अगर किसी इंसान को रख दिया जाए तो उसकी जंप इतनी तेज हो जाएगी कि वो 980 फुट की बिल्डिंग पर जमीन से उछल के बैठ सकता है। इस वीडियो में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे और वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि ये जो पिस्सू होता है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये अपनी बॉडी का 150x जंप कर सकता है। मतलब इसकी बॉडी की जितनी लेंथ है ये उससे 150 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को इसकी जगह रखा जाए तो वो जमीन से उछलकर 980 फुट की ऊंची बिल्डिंग पर बैठ सकता है। और आपने देखा होगा जो मार्वल में हल्क है ये उसकी छलांग से दुगनी से भी ज्यादा है। मतलब हल्क को जंपिंग के मामले में इस छोटे से पिस्सू ने हरा दिया। फैक्ट नंबर 11, आजकल लोगों को फोन का इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया है कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देते, वो अपनी हेल्थ से ज्यादा अपने फोन को इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक सर्वे में ये देखा गया है कि दुनिया में इतने टूथब्रश नहीं है जितने की फोन है। मतलब दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन पर टूथब्रश तो नहीं है लेकिन उनपे फोन जरूर है। फैक्ट नंबर 10, आजकल लोग पॉल्यूशन को, किसी भी तरह के पॉल्यूशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, पर लगता है स्विट्जरलैंड ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड में हो या वहां रहते हो तो आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना होता है कि फ्लश यूज करने से साउंड पॉल्यूशन होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई स्वीडन में ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड डोनेट करने के बाद उसे थैंक यू बोला जाता है, और अगर वो ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है तो जिसने वो ब्लड डोनेट किया है उसे एक मैसेज भेजा जाता है और उस मैसेज में ये लिखा रहता है कि आपके दिए हुए ब्लड से किसी की जान बचा ली गई है, ब्लड देने के लिए धन्यवाद। फैक्ट नंबर 8, आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें जो लड़कियां होती हैं वेडिंग के टाइम पे वो कुछ ऐसी तरह की ड्रेस पहनती हैं, और लड़की के सर के पीछे से एक सफेद सा कपड़ा सा आ रहा होता है। पर एक कपल ने अपनी शादी को ज्यादा यादगार करने के लिए ये जो कपड़ा होता है इसे वेल बोला जाता है, और इस कपल ने अपनी शादी में इसे बहुत ज्यादा बड़ा बनवा दिया, और इन्होंने ये वेल इतना ज्यादा बड़ा बनवा दिया कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया, और इस वेल की लंबाई 6,996 मीटर थी। फैक्ट नंबर 7, चाइना में एक डैम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और इसका नाम है द गॉर्जस डैम, और इसको बनाने में 4,63,000 मैट्रिक टन स्टील यूज हुआ था। पर क्या आप जानते हैं इतने स्टील में 63 आईफिल टावर बनाए जा सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं ये बात इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है, ये इतना बड़ा डैम है कि इसने जो पानी स्टोर किया था ज्यादा पानी स्टोर करने की वजह से पृथ्वी की रोटेशन स्लो हो गई थी, पर ज्यादा स्लो नहीं हुई थी, 0.06 सेकंड स्लो हुई थी। पर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अर्थ की रोटेशन ही स्लो कर दी। फैक्ट नंबर 6, गल गैलोट ये एक एक्ट्रेस है, अगर आपने वंडर वुमन मूवी देखी हो तो आपने इन्हें जरूर देखा होगा, इन्होंने उसमें काफी ज्यादा एक्शन किया था। पर क्या आप ये जानते हैं जिस टाइम ये वंडर वुमन की शूटिंग कर रही थी ये 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। फैक्ट नंबर 5, जिनका भी जन्म सन 1800 में हुआ था वो लोग अब हमारे बीच में नहीं है, मतलब उन लोगों की अब डेथ हो चुकी है। पर एक लेडी थी जिनका जन्म सन 1800 में हुआ था पर उनकी डेथ भी अभी कुछ टाइम पहले ही हो चुकी है। उनका जन्म 19 नवंबर 1899 में हुआ था और उनकी डेथ 15 अप्रैल 2017 में हो चुकी है, और वो वर्ल्ड की लास्ट पर्सन थी जिनका जन्म सन 1800 में हुआ था। फैक्ट नंबर 4, आप जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं या आपके पेटीएम में जो पैसा है, मतलब ऑनलाइन करेंसी, ये जो ऑनलाइन करेंसी है ये फिजिकल करेंसी मतलब नोट और सिक्कों से बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में अभी तक जो फिजिकल करेंसी है वो सिर्फ 8% है और जो ऑनलाइन करेंसी है वो 92% है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप अपनी जीभ से अपनी नाक को टच कर सकते हैं? पर जो जिराफ होता है उसकी गर्दन के साथ साथ उसकी जीभ भी बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो अपनी जीभ से अपने कानों को साफ कर सकता है और उसकी जीभ 21 इंच की होती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं ये जो फिश है इसे जॉ फिश बोला जाता है। नॉर्मली जो मछली होती है वो अपने अंडे पत्थर रेत या किसी भी घोंसले में दे देती है और उन अंडों को तब तक प्रोटेक्ट करती है जब तक उनके अंदर से बेबी नहीं निकल जाते। पर ये जो जॉफिश है इसमें जो फीमेल जॉफिश होती है ये अंडे तो देती है पर उन अंडों को दूसरे प्रेडेटर से बचाने के लिए मेल जॉफिश उन अंडों को अपने मुंह में रख लेता है जब तक वो अंडे हैच नहीं हो जाते और उनके अंदर से बेबी नहीं निकल जाते। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे जो चाइना में न्यू ईयर होता है उसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और न्यू ईयर को ये लोग अपनी फैमिली के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं, पर उनका क्या जो घर से दूर होते हैं और पूरा न्यू ईयर वो अकेले सेलिब्रेट करते हैं।
और लोनली फील करते हैं तो चाइना में कुछ वेबसाइट है जो गर्लफ्रेंड किराए पर देते हैं। अगर आप चाइना में अकेले हो या लोनली फील कर रहे हो तो आप गर्लफ्रेंड किराए पर ले सकते हो, और इनका रेंट $40 से लेकर $160 पर डे का है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।